हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एंजल वन एप्लीकेशन के थ्रू स्टॉक के अंदर SIP करना सीखेंगे। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे स्टॉक के अंदर SIP किया जाता है, तो आज के इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखना और कहीं पर भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए छोटा सा डिस्क्लेमर यह है कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस से है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखाया जाए कि कैसे स्टॉक के अंदर SIP स्टार्ट किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, ताकि आप स्क्रीन पे सब कुछ अच्छे से क्लियर विजिबल हो पाए और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझा सकूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एंजल वन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। इस तरह से आप भी लॉगिन कर लीजिए अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से डीमैट अकाउंट है तो। लेकिन अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल वन एप्लीकेशन का अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहाँ से अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप भी SIP स्टॉक के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि कहाँ पर आपको स्टॉक SIP का ऑप्शन मिलता है। तो होम पेज में आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखाई देता है स्टॉक SIP का ऑप्शन। आप चाहें तो यहाँ पे भी क्लिक करके SIP स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपको दूसरा ऑप्शन अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड टूल्स वाले टैब में आपको दिखाई देगा स्टॉक SIP का ऑप्शन। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर भी आप उसी पेज पर आ जाएंगे। अब आपको आगे क्या करना है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप इसको रीड कर लीजिए कि व्हाट इज SIP क्या होता है। तो SIP आप लोगों को पता होगा कि ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें आप एक सिस्टमेटिक तरीके से एक सेलेक्ट किए हुए डेट पर आप अपने अमाउंट को उसके अंदर ऐड करते जाते हैं और वो आपका अमाउंट कंपाउंडिंग के थ्रू धीरे धीरे बढ़ता रहता है मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये हो जाता है SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अलावा आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, SIP के अंदर। तो कैसे ऑर्डर को प्लेस करेंगे, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से भी आप कर सकते हैं ऑर्डर को प्लेस, या फिर आप क्वांटिटी के हिसाब से भी ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे अमाउंट के हिसाब से ऑर्डर को प्लेस करने वाले हैं। वो चीज़ मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकली करना है। इसके अलावा व्हाट आफ्टर दैट, यानी कि SIP स्टार्ट करने के बाद होगा क्या, जब भी आप SIP के अंदर अमाउंट कटेगा, ठीक है, तो वो अमाउंट आपके कहाँ से कटेगा, डेबिट होगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट से, आपके बैंक अकाउंट से यहाँ पे SIP में नहीं कटेगा। जनरली हम लोग जब म्यूचुअल फंड के अंदर SIP स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे होता क्या है, आपके बैंक अकाउंट के थ्रू पैसे यहाँ पे कटते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। जब भी आप अपना SIP स्टार्ट करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं जिस भी तारीख को, तो वो आपके बैंक अकाउंट से कटता है। लेकिन अगर आप स्टॉक के अंदर SIP कर रहे हैं तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे कटेंगे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप SIP स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फंड रखना है, तभी वो पैसा यहाँ पे SIP के अंदर इन्वेस्ट हो पाएगा। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है अगर आप स्टॉक के अंदर SIP कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको स्टार्ट करना है तो सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट स्टॉक SIP, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है कि किस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आप SIP करना चाहते हैं। तो वो पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ डेमो पर्पज से किसी भी एक स्टॉक के अंदर SIP स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप किसी भी स्टॉक के अंदर कर सकते हो SIP, जिसमें भी ऑप्शन आता है। तो मैं यहाँ पे चलिए SBI में करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे SBIN सर्च कर लिया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आ गया है। सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल रहा है, क्वांटिटी के बेस पर या फिर आप अमाउंट के बेस पर भी कर सकते हो। क्वांटिटी के बेस पर आप यहाँ पे डाल दोगे कि कितने क्वांटिटी आपको यहाँ पे SIP में डालने हैं, ठीक है। तो आप अगर क्वांटिटी के हिसाब से करोगे तो प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, हर महीने, तो वो आपको यहाँ पे अच्छा सुइटेबल नहीं रहेगा। सो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप अमाउंट के बेस पर भी करिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट के बेस पर करने वाला हूँ कि लाइक अगर 1000 रुपीज़ मैं यहाँ पर मंथ या पर डे या वीकली यहाँ पे करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अमाउंट डाल दूंगा, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है, अमाउंट के बेस पर कितने अमाउंट आप यहाँ पे SIP में करना चाहते हो इन्वेस्ट। इसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है चूज SIP फ्रिक्वेंसी एंड डेट। तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो फ्रिक्वेंसी और डेट को कि किस डेट को आपका SIP यहाँ पे होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहे तो मंथली बेस पर भी SIP कर सकते हैं, वीकली बेस पर भी कर सकते हैं और डेली बेस पर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे वीकली एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे SIP डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो कि किस दिन आपका यहाँ पे SIP होना चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एंड आप किसी भी दिन को सेलेक्ट कर सकते हो, उसी दिन आपका SIP के अंदर अमाउंट जाएगा, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे मंडे सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो योर वीकली SIP विल बींग फ्रॉम मंडे एवरी वीक, यानी कि हर सप्ताह मंडे को आपका SIP यहाँ पे
इन्वेस्ट होगा, ठीक है, स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक यानी कि अगले सप्ताह से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप स्टॉक SIP का पूरा डिटेल चेकआउट कर सकते हो कि कौन से स्टॉक के अंदर आप SIP कर रहे हो, अमाउंट कितना है, वैल्यू कितना है, कौन से फ्रिक्वेंसी में आप कर रहे हो यानी कि वीकली, मंथली या डेली। इसके अलावा आप यहाँ पे कौन से दिन कर रहे हो वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है योर वीकली SIP विल बीइंग फ्रॉम 4 मार्च 2024 यानी कि 4 मार्च 2024 से आपका यहाँ पे SIP स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 मार्च को क्या है, मंडे है, ठीक है, अगला मंडे। अब यहाँ पे आप पॉइंट्स टू नोट में आप इन सबको पढ़ सकते हो। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपका टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्टेड नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है, इसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक SIP सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया है। अब यहाँ पे क्या लिखा है इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। सेट अप अ बैंक मैंडेट टू ऑटोमेट SIP पेमेंट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू योर ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि आपको यहाँ पे अगर आप सेट अप बैंक मैंडेट पर क्लिक करके आप इसको ऑटोमेटिक सेटअप कर देते हो तो आपके बैंक अकाउंट के थ्रू पैसे कट करके आ जाएंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऑटोमेटिक, और ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे फिर आपके यहाँ पे SIP में इन्वेस्ट होते रहेंगे। तो ये हो जाता है, अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं रहा तो इस केस में आपका SIP डिसकंटिन्यू हो सकता है या फिर आपका वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस SIP आपका सिस्टमेटिक तरीके से चलता रहे उसके लिए आपको सेट अप बैंक मैंडेट पर क्लिक करके आपको इसको मैंडेट करना होगा। इसके अलावा अगर आपको डिटेल चेक करना है कि कहाँ पर आपका ऑर्डर दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑर्डर प्लेस हुआ या नहीं हुआ, तो उसको चेकआउट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे गो टू स्टॉक SIP ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, या फिर अगर आप एंजल वन के होम पेज पे आते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे ऑर्डर वाले टैब के अंदर आ जाना है, फिर स्टॉक SIP के अंदर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टॉक SIP के अंदर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि SBIN के अंदर हमने एक्टिव हो गया है, ठीक है, आपका SIP टाइप अमाउंट में हमने सेलेक्ट करके यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ, यानी कि 1000 रुपीज तक का अमाउंट हमारे SIP के अंदर इन्वेस्ट होता रहेगा। तो आप यहाँ पे अमाउंट के बेस पर भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कब से स्टार्ट होगा हमारा नेक्स्ट SIP, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 4 मार्च 2024 से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी अगर आप इस ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो या फिर कैंसिल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हो मॉडिफाई SIP का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप SIP को मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप SIP को पॉज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पॉज SIP पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपने ऑर्डर्स को कैंसिल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं अपने ऑर्डर्स को। इसके अलावा आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हो कि वीकली हमारा फ्रीक्वेंसी है। इसके अलावा नेक्स्ट SIP डेट हमारा कब है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, अमाउंट कितना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप यहाँ पर डेट देख सकते हो कि नेक्स्ट आपका SIP कब होने वाला है। तो उस SIP डेट से पहले आपको अपने वॉलेट के अंदर फंड ऐड करना पड़ेगा, अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फंड रखना पड़ेगा, तभी आपके SIP के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट होता रहेगा, राइट। तो अगर आप ये चीज़ कर सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप हर SIP डेट से पहले अगर वॉलेट के अंदर फंड इतना मेंटेन नहीं कर सकते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑटो पे को सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है पे योर SIP ऑटोमेटिकली बाय सेटिंग अप एंड ई मैंडेट, यानी कि आप अगर सेटअप कर दोगे यहाँ पर तो आपके बैंक अकाउंट के थ्रू ऑटोमेटिक पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ जाएंगे एंड ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंस आपके SIP के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट होता रहेगा। तो आप इसको भी सेटअप कर सकते हो, सेटअप करना बहुत ही सिंपल है। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट न्यू बैंक मैंडेट पर क्लिक करोगे, इसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट रहेगा उसको आप सेलेक्ट रहने दोगे। अगर आपने मल्टीपल बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है इस अकाउंट के अंदर तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, ऑटो पे को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आप इसको एनेबल कर सकते हो। एनेबल हो जाने के बाद आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक आपका SIP के अंदर इन्वेस्ट होता रहेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टॉक के अंदर SIP स्टार्ट किया जाता है, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या नियम्स है। वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़े। मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोज लेकर के आता रहूँ एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो AngelOne एप्लीकेशन का अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।